राजस्थान में 25 में से 17 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, 17 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं, बाकी सीटों पर भी लीड काफी ज्यादा है, कभी भी नतीजे आ सकते हैं। सबसे पहले अब मैं लेके चलती हूँ आपको दिल्ली, जहाँ हमारे संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ हैं, और वहां पर ईवीएम को लेकर आपत्ति को लेकर कोई प्रदर्शन चल रहा है, वो क्या कह रही है आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, और अब जो कि नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जिस हिसाब से कांग्रेस जो है उम्मीद नहीं कर रही थी, वो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ईवीएम पे सवाल उठाते हुए ईवीएम को नकली बता रहे हैं और चोर बता रहे हैं। तमाम ये जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं इनकी। आपकी मांग क्या है, आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं? हमारी मांग एक ही है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, फिर लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया है। सबको पता था ईवीएम में चोरी हो रही है, देश में रामराज नहीं था, 500 में से 500 भी आ जाए मोदी की तो बड़ी बात नहीं है। बीजेपी कह रही है जब हार होती है तो कांग्रेस ईवीएम पे आरोप लगाती है, इतने सालों से जब कांग्रेस जीतती आ रही थी तो ये आरोप नहीं थे। मैंने तो पिछली बार भी विरोध करा था, मुझे पता है इस चुनाव के नतीजे, चार लोगों को पता था, मोदी साहब को, अमित शाह को, चुनाव तो मेरे को, इसलिए मैंने तैयारी करी। हर बार क्या तरह जहाँ जहाँ बैल्ट पेपर से चुनाव होते हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है और जहाँ जहाँ ईवीएम मशीनें उभर के आते हैं, क्या देश में रामराज है जो अब की बार 300 से पार, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? किसान, युवा, महिला, मजदूर, हर आदमी दुखी है, नौकरी मिल नहीं रही है, खाना मिल नहीं रहा है, व्यापार बंद हो गए हैं, फिर ऐसा क्यों? जनता ने चुना है, क्या जनता पे विश्वास नहीं है आपको? जनता ने नहीं चुना, जनता चुनती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते, ये ईवीएम ने चुना है। चुनाव का कोई महत्व नहीं है, चुनाव बंद कर देने चाहिए, जब तक मोदी साहब जिंदा है उनको प्रधानमंत्री बना दो, कम से कम देश की पूंजी का तो बचत होगी, देश का नुकसान तो नहीं होगा। तो इसलिए सोचना पड़ेगा सभी नेताओं को, बार बार नेता सारे चुनावों के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5% की मिलान कर लो, वो भी नहीं कराया, अगर ये 5% का मिलान करा लेते तो चोरी पकड़ी जाती, अब ये कह रहे बाद में कराएंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मोदी साहब के सामने किसी की चलने रही है, सब ऐसा है समझ रहे अपने आप को। तो जो चुनाव हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पैसे की बर्बादी है, जब तक मोदी जिंदा है तब तक उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफ़ी नाराज़ है, ईवीएम पे भरोसा उठ गया है, चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है, ये जिस तरीके से विपक्ष हमेशा से आरोप लगाती थी नतीजों से पहले, आप देख सकते हैं सड़कों पर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि सड़कों पर आएंगे जनता, सड़कों पर आएगी या कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे, नेता सड़कों पे आएंगे, पूरा विपक्ष सड़क पे आएगा। अब विपक्ष जो है सड़क पे आना शुरू हो गया है और नतीजे देश के सामने हैं। बीजेपी 300 के पार जो कहा जा रहा था, सुपड़ा साफ करने की बात जो कही जा रही थी कांग्रेस की, वो नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली। चलिए ये तो वही बात हो गई जिसकी हमें उम्मीद भी थी कि कांग्रेस या उसके कार्यकर्ता ईवीएम पर दोष देंगे।